हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आपके लिए मैं बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, बेस्ट क्वेश्चन के साथ फिजिकल एजुकेशन के सेट बाय सेट। दोस्तों, इस तरह के सेट ए अभ्यास 3 है दोस्तों, और ये इस प्रकार के 15 से 16 सेट है। प्रत्येक सेट में आपके 10 से 12 अभ्यास है, जिसमें प्रत्येक अभ्यास से 50 या 100 क्वेश्चन है। इस प्रकार पूरा मिलाकर के 3 से 4 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे, और बेस्ट प्रैक्टिस बेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आज के सेशन में 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपको धैर्य पूर्वक क्वेश्चन को हल करना है, अपना स्कोर चेक करना है। 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, चाहे अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे 3 सेशन चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज एंड वन लाइनर क्वेश्चन सभी प्रकार के हैं। ये सभी पूरे हो गए हैं। मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस सेट लगवा रही हूँ। जो आप डेली बेसिस पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो समय नष्ट न करते हुए दोस्तों, चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आप धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही इंसान को महान बनाता है, परफेक्ट बनाता है, इसलिए अभ्यास जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसका आधार है। तो शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसका आधार क्या है? जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो हम उत्तर देते हैं कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है। तो किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास कैसे हो सकता है? केवल शारीरिक रूप से तो हो नहीं सकता है कि वो स्वस्थ है, मन से अच्छा सोच नहीं रहा है, या तो सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है तो उसका संपूर्ण विकास हो गया। नो, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, यानी कि शारीरिक गतिविधियां भी उसका अच्छा हो, सामाजिक गतिविधियां भी अच्छा हो, और मानसिक गतिविधियां भी अच्छा हो। तो शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसका आधार है शारीरिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, मानसिक गतिविधियां। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तो ये 100% सत्य है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, यानी कि शारीरिक शिक्षा के द्वारा हम अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, तो समाज में भी हम अच्छे से रहेंगे। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसको अरस्तु ने कहा ही है। तो शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है? इसमें आपको देखना है कौन सी विशेषता नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा द्वारा खेल नियमों को समझा जाता है, ये बात सही है। खेल और शारीरिक गतिविधियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। एंड शारीरिक शिक्षा का आधार व्यायाम और खेल है। क्या है? व्यायाम हुआ, खेल है। इसमें मेन रूप से आप शिक्षक बनते हैं तो व्यायाम और खेल ही तो कराते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों, यहाँ पे आंसर नंबर डी है कि वैज्ञानिक विधि द्वारा जानवरों को प्रशिक्षित किया जाता है। शारीरिक शिक्षा में हम जानवरों को तो प्रशिक्षित करते नहीं, हम तो इंसान को प्रशिक्षित करते हैं। यहाँ आंसर नंबर जो घ है यानी डी है, वो आपका इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। प्रश्न दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है? तो शारीरिक शिक्षा का मेन उद्भव तो यूनान यानी ग्रीस देश में माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, एंड जल में घुलनशील विटामिन है बी सी एच। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि आपको ध्यान में रखना है, जो विटामिन है दोस्तों, यह विटामिन जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करता, यह हमको सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए विटामिन को वृद्धि तत्व, सुरक्षात्मक तत्व, ग्रोथ फैक्टर बोला जाता है। यह जो विटामिन है सूक्ष्म मात्रा में मानव शरीर में उपस्थित होता है, यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता, परंतु जो ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब पदार्थों के निर्माण तथा उनके सही उपयोग पर नियंत्रण करता है। यानी कि जो विटामिन होता है वह उपापचय क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के संचालन के लिए आवश्यक होता है। इसलिए विटामिन को वृद्धि तत्व, ग्रोथ फैक्टर बोला जाता है। और विटामिन की खोज किया था लूनिन ने 1881 में, और इसे को विटामिन नामकरण दिया था फंक ने 1912 में। इस प्रकार दोस्तों, विटामिन के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हेल्थ एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर के विटामिन के सभी पार्ट को डिटेल में जान सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के की कमी से होता है, तो विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का जमने में देरी होता है। तो आपको ध्यान में रखना है जो विटामिन के की कमी से रक्त, विटामिन में पूछे कि रक्त की थक्का जमने में कौन सहायक होता है, तो विटामिन के। यदि रक्त प्रोटीन में पूछे तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड प्लेटलेट्स। अगर खनिज लवण में पूछे कि कौन रक्त को थक्का जमाने मदद करता है, तो कैल्शियम। इस प्रकार से आपको सभी चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों, तो आयरन की कमी से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, तो इसके कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग होता है। आयरन जो है दोस्तों यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को ले जाकर के हमारे समस्त शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता है, जहां पे भोजन जो है ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, एटीपी का निर्माण होता है कोशिकीय श्वसन द्वारा। तो दोस्तों जो आपका लोहा होता है, आयरन होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, पेशी निर्माण में सहायक होता है और गर्भवती के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अन्य खनिज लवणों में जो कैल्शियम होता है रक्त स्कंदर में सहायक होता है, पोटेशियम जो होता है तंत्रिका सूत्रों को लाने और ले जाने का कार्य करता है और पेशी संकुचन का कार्य करता है, जो सोडियम होता है रक्त दाब व तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, अम्ल क्षार का संतुलन करता है, इसकी सोडियम की अधिकता से बीपी हाई हो जाती है। जो आयोडीन होता है प्रतिदिन पुरुष के लिए 150 ml, गर्भवती महिला के लिए 250 ml आवश्यकता होती है। और अन्य में जो सल्फर होता है दोस्तों वह प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। अन्य जो है क्रोमियम जो होता है इंसुलिन निर्माण में सहायक होता है। कोबाल्ट जो है B12 के निर्माण में सहायक होता है। जो जिंक होता है एंजाइमों के निर्माण में सहायक होता है। और फ्लोरीन जो होता है दांत में पाए जाते हैं, जो इनेमल का निर्माण में सहायक होता है। इन सभी चीजों को मेन मेन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स की किसकी कमी से हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। दोस्तों आपको विटामिन डी के बारे में याद रखना है, विटामिन डी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। विटामिन डी के जो वैज्ञानिक नाम है कैल्सिफेराल है, इसको एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन भी बोला जाता है। इसमें दो चीजों को मेन ध्यान में रखा जाता है, अगर डीपली क्वेश्चन पूछता है तो इसमें D2 और D3 दो चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो विटामिन D2 को अर्गो कैल्सिफेराल कहते हैं, जिसकी कमी से टिटैनी यानी अस्थियों में ऐंठन हो जाता है। जो D3 होता है D3 को कोले कैल्सिफेराल बोलते हैं, जिसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज आदि रोग हो जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो विटामिन बी सी और एच है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। ठीक है, नेक्स्ट है संतुलित आहार में पाए जाते हैं, तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सभी तत्व उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं, उसी को हम कहते हैं संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, वसा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, दोस्तों जो मक्खन होता है वसा प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट है ओलंपिक वाक में बलशाली किसे कहते हैं दोस्तों, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस। ओलंपिक वाक में तीन शब्द है आपके हैं, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस। अब चौथा शब्द जुड़ गया है कम्युनिटर, तो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर यानी कि फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टूगेदर। तो सीटियस का अर्थ हो जाएगा फास्टर यानी और तेज, आरटीएस का अर्थ हो जाएगा हायर यानी और ऊंचा, और फोर्टियस का अर्थ हो जाएगा स्ट्रांगर यानी कि और बलशाली, और कम्युनिटर का अर्थ होगा टुगेदर यानी कि एक साथ चलना। ठीक है, इस प्रकार आपका वाक्य में बलशाली किसे कहेंगे, तो फोर्टियस यानी स्ट्रांगर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ओलंपिक जो मोटो है उसको किसने दिया था, किसने बनाया था, फादर हेनरी डिरान ने। नेक्स्ट दोस्तों, ओलंपिक झंडे में छल्लों का रंग किस क्रम में होता है, तो ओलंपिक झंडों में जो छल्लों का रंग होता है वह नीला, पीला, काला, हरा, लाल, इस सीक्वेंस में होता है, आप ध्यान में रखिएगा। ओलंपिक जो छल्लों का रंग होता है, छल्ले जो होता है, ये पांच छल्ले होते हैं, और ये पांचों छल्ले नीला, पीला, काला, हरा, लाल जो होते हैं, नीला जो है यूरोप का प्रतीक होता है, यूरोप महाद्वीप, पांच महाद्वीप का प्रतीक होते हैं। जो नीला है यूरोप महाद्वीप का प्रतीक होता है, पीला एशिया महाद्वीप का, काला अफ्रीका महाद्वीप का,
हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का और लाल अमेरिका महाद्वीप का। इन पांच छलों को ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थायी रूप से 1924 पेरिस फ्रांस में मान्यता मिली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओलंपिक मोटो जो आदर्श वाक्य है उसको भी 1924 में आधिकारिक रूप से मान्यता मिली, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, स्टार्च का मुख्य स्रोत क्या है? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? इसमें मुख्य स्रोत है आपका गेहूं। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो जानने के लिए मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट वाले वीडियोज को आप देख लीजिए एक बार, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पे गेहूं जो ये सब आपका कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, यहाँ पे मांस जो है इसका प्रमुख स्रोत हो जाएगा प्रोटीन का। प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए प्रोटीन वाले वीडियोज को देख लीजिए, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा डिटेल में बताने में। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज की रचना हुई थी दोस्तों, ओलंपिक ध्वज की रचना 1913 में किसने बनाया था? बरन पीरेडी कुबर्डिन ने 1913 में बनाया, और इसको ओलंपिक झंडे को सबसे पहले कब फहराया गया? 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में फहराया गया। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है दोस्तों? वो है करणम मलेश्वरी। 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीती भारोत्तोलन में 69 kg भार वर्ग में। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कौन है? तो बैरन पीरेडी कुबर्डी को आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता कहा जाता है, और आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में 9 अप्रैल को शुरू हुआ एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में। नेक्स्ट दोस्तों, उस स्टेडियम का नाम बताइए जहां प्रथम एफ्रो एशियाई खेल शुरू हुआ था। तो प्रथम एफ्रो एशियाई खेल जो है 2003 से प्रारंभ हुआ था GMC बालयोगी स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सब जानते हैं कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत जो है वो आपका सूर्य का प्रकाश होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कौन होता है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शन है कि अंडा, अंडतीक, अंड पीतक, मक्खन, दूध। तो इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जब सूर्य का प्रकाश रहेगा ऑप्शन में, तो सूर्य का प्रकाश ही ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, रात्रि अंधता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो रतौधि होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो रात्रि अंधता यानी जो रतौधि होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे आंखों में दो सेल पाई जाती है, रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल जो होता है अंधेरे उजाले में अंतर करने से संबंधित होता है, बताता है, और जो कोन सेल होता है हमारे रंगों को बताने में मदद करता है कि कौन वस्तु किस कलर का है। तो रतौधि में क्या होता है कि रात को दिखाई नहीं देता, रात को दिखाई यानी आंखों से धुंधला दिखता है, तो इसमें रोड सेल ग्रसित हो जाता है। क्वेश्चन जब भी पूछेगा दोस्तों तो आपको पूछ सकता है कि रतौधि यानी नाइट ब्लाइंडनेस में आंख का कौन सा सेल ग्रसित हो जाता है, तो रोड सेल ग्रसित हो जाता है। रोड सेल में रोडोप्सिन लेयर जो होता है वो खराब हो जाता है, जिससे हमको धुंधला दिखाई देता है। और कलर ब्लाइंडनेस यानी कि हमको रंग पहचानने में दिक्कत होता है कि कौन किस कलर का है, मेन रूप से लाल और हरा रंग देखने में दिक्कत होता है, तो उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, कलर विजन कहा जाता है, वर्णता कहा जाता है। इसमें आपको कौन सेल ग्रसित होता है, क्योंकि कौन सेल क्या करता है, रंगों में अंतर करने की क्षमता को बताता है। तो कलर ब्लाइंडनेस में रंगों में अंतर करने की क्षमता जो है वो बाधित हो जाती है। और रात्रि अंधता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस में आंखों से धुंधला दिखता है, तो ध्यान में रखना है नाइट ब्लाइंडनेस रतौधि में रोड सेल ग्रसित होता है, और कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णता में कौन सेल ग्रसित होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन का क्या कार्य है दोस्तों? कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को तीन भाग में बांटा गया है। ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से तीन भाग में बांटा गया है? ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले, रोगों से सुरक्षा करने वाले। तो ऊर्जा करना प्रदान करने वाले में वसा कार्बोहाइड्रेट है, शरीर का निर्माण करने वाले में आपका प्रोटीन है, रोगों से सुरक्षा करने वाले विटामिन एन खनिज लवण है। तो कौन मांसपेशी ऊतक को बनाता है प्रोटीन? तंत्रिका ऊतक को, अस्थि ऊतक को, तो सभी शरीर के अंगों का निर्माण करने में आपका सहायक होता है। यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट है मानव शरीर का भोज्य ईंधन है दोस्तों। भोज्य ईंधन यानी कि ऊर्जा प्रदान करने वाला जो ईंधन है कौन है, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन है, रक्षा करने वाला विटामिन एंड खनिज लवण है। नेक्स्ट है ओलंपिक चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं, तो 5 छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक है, दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक अम्ल को यह भी कहते हैं, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है, विटामिन सी की कमी से जो होता है वह होता है आपका स्कर्वी हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन सी जो होता है उत्तकों में कोशिकाओं को परस्पर बांध के रखता है, घाव भरने में काम करता है, आरबीसी का निर्माण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और इसकी कमी से यह व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य कौन करता है, तो विटामिन सी करता है, इस कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट ओलंपिक के उद्देश्य सीटीएस का क्या अर्थ है, सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस फास्टर हायर स्ट्रांगर, तो फास्टर यानी कि गतिवान यानी तेज दौड़ना यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 2010 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो 2010 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था भारत में, 2010 का राष्ट्रमंडल खेल भारत में हुआ था, इसलिए बार बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। जबकि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था, तो 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, और भारत में कब हुआ था, 2010 में हुआ था भारत में, और भारत ने उस समय 101 पदक जीता था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ हुआ था दोस्तों, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, और 23वां 2026 का कहाँ होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा, इसको भी आपको ध्यान में देना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ओलंपिक ज्वाला कब प्रयोग की गई थी, तो दोस्तों ओलंपिक ज्वाला जो है सबसे पहले ओलंपिक मशाल जो है ओलंपिक ज्वाला 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में ज्वाला स्टेडियम के मुख्य द्वार पर जलाई गई थी। लेकिन जब पूछेगा कि प्रथम बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक ज्वाला यानी ओलंपिक मशाल कब आई, तो आधिकारिक तौर पर प्रथम बार ओलंपिक मशाल को कब जलाया गया, तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में सबसे पहले पूछेगा, तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में ज्वाला स्टेडियम के मुख्य द्वार पर, आधिकारिक तौर पर प्रथम बार तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में। और दोस्तों अब ये पूछेगा कि सबसे पहली बार किसी महिला द्वारा ओलंपिक मशाल को कब जलाया गया, ठीक है, तो 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में पहली बार नेमी एनरी क्वेटा बासिलो सोटेलो जो मैक्सिको की महिला थी ने मशाल से ज्वाला प्रज्वलित की, किसी महिला ने, ये तीन बातें आपको इसके रिलेटेड यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई, तो भारत में खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की कल्याण विभाग की स्थापना 1958 में की गई। नेक्स्ट दोस्तों सूखा रोग यानी रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट सूर्य की रोशनी का किसका किस विटामिन का मुख्य स्रोत है, तो विटामिन डी का। नेक्स्ट दोस्तों विटामिन और खनिज के क्या कार्य हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि जो भोज्य पदार्थ है पोषक तत्व है वो कार्य के आधार पर तीन भाग में डिवाइड किया गया है, ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा है, शरीर का निर्माण करने वाले हैं आपके प्रोटीन, और सुरक्षा करने वाले हैं विटामिन एंड खनिज लवण। तो विटामिन और खनिज लवण कोई आपको ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, यह संरक्षण यानी शरीर की रक्षा करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संरक्षण या नियमन यानी प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशंस का कार्य करता है। नेक्स्ट दूध तथा दूध से बने पदार्थ तथा मछली का तेल मुख्य स्रोत है, तो ये किसके मुख्य स्रोत है दोस्तों, यहाँ पे विटामिन डी के मुख्य स्रोत है। जब सूर्य का प्रकाश दिया रहेगा तो सूर्य का प्रकाश सही रहेगा, और उसके अलावा दूध तथा दूध से बने पदार्थ मछली का तेल इस सब में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, यहाँ पे दूध दिया है, दालें दिया है, अनाज गेहूं, तो जो अनाज है अनाजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब मुख्य स्रोत है अगर उसमें गेहूं जौ ये सब बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे तो गेहूं आपका सही रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों पालक तथा बंद गोभी मुख्य स्रोत है, तो दोस्तों जैसे कि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, तो पालक बंद गोभी में भी विटामिन सी पाया जाता है।
पालक बंद गोभी में विटामिन सी पाया जाता है, तो यहाँ पे इस कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन है, इसको आप अच्छे से सर्च कीजिएगा, क्योंकि मैं इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकती, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी दिया है, विटामिन के भी दिया है, तो हम इसे आपके लिए पेंडिंग छोड़ते हैं। तो विटामिन के इसमें मेरे ख्याल से हो जाएगा, लेकिन इससे मैं आंसर दिया है विटामिन सी। नेक्स्ट दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट सहायक है, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें सहायक है दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। नेक्स्ट है, नौवें एशियाई खेलों का आयोजन कहां पे हुआ था, तो नौवें एशियाई खेल का आयोजन कहां पे हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था नई दिल्ली में। तो नौवें एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में 1982 ईस्वी में हुआ था, कहां पे हुआ था, नई दिल्ली में 1982 ईस्वी में नौवें एशियाई खेल का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, जिसमें भारत का पांचवा स्थान था। तो कई बार ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जो भी दिल्ली में आयोजित हुआ है, जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल आपका 2010 में दिल्ली में आयोजित हुआ है भारत में, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और एशियाई खेलों का तो शुरुआत ही 1951 में नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ, तो एशियाई खेल का आयोजन भारत में ही हुआ, लेकिन दूसरी बार भारत में कब आयोजन हुआ तो 1982 नई दिल्ली में आयोजन हुआ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, दो एशियाई खेलों के बीच का अंतराल कितना होता है, तो 4 वर्ष होता है, चाहे एशियाई खेल हो, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो, चाहे आपका ओलंपिक खेल हो, ये सभी आपका प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पर्सोना शब्द का अर्थ है, तो पर्सोना जो है पर्सनालिटी से रिलेटेड है, तो पर्सोना जो है इसका शब्द का अर्थ है मुखौटा। नेक्स्ट, किसने कहा दोस्तों कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को कहे हैं अरस्तु ने। नेक्स्ट दोस्तों, ओलंपिया शहर कहाँ पे स्थित है, तो ये ग्रीस यानी यूनान में स्थित है, जहाँ पे प्रथम ओलंपिक आयोजित हुआ था 1896 में, और प्राचीन ओलंपिक तो वहाँ पे आयोजित होता ही था दोस्तों। प्राचीन ओलंपिक 2776 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक चला था, जिसको 394 ईसा पूर्व में रोम के सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने उसको बंद करवा दिया था, रोक लगा दिया था। नेक्स्ट, प्रथम एफ्रो एशियन खेल किस देश में आयोजित हुआ था दोस्तों, एफ्रो एशियन खेल की शुरुआत 2003 में हुआ था, प्रथम हुआ था आपका भारत में शुरुआत। नेक्स्ट है, प्रथम 2020 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था, तो प्रथम 2020 विश्व कप का खिताब जीता था भारत ने। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगाने वाले सम्राट का क्या नाम था दोस्तों, तो उस सम्राट का नाम था थियोडोसियस प्रथम, यह रोम का सम्राट था। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक कुल 293 खेल संपन्न हुआ था, और 394 ईसा पूर्व नहीं दोस्तों, आपको यह ध्यान में रखना है कि 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक चला, ईसा पूर्व तक नहीं, क्योंकि ऑप्शन में कभी यह दिया जाता है कि कब तक चला, तो 394 ईसा पूर्व 394 ईस्वी दिया रहेगा, तो 394 ईस्वी तक चला, ठीक है। 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक चला, और 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट जो है थियोडोसियस प्रथम ने इस पर रोक लगवा दी। नेक्स्ट है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है दोस्तों, वृद्धि और विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि अनुवांशिकी और वातावरण। जब ये नहीं दिया रहेगा तो और चीजें जैसे कि आपका पोषक तत्व, यानी खाना आप कैसा खाते हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, ये सभी चीजें, कैसे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये सब फैक्टर भी आपको प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपका एनवायरमेंट एंड आपका हेरिडिटी नहीं दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन है लिंग, आयु, पोषण, ये सभी चीजें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं, तो आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। तो यहाँ जब क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, तो सबसे ज्यादा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि अनुवांशिकी एंड वातावरण प्रभावित करता है। नेक्स्ट दोस्तों, व्यक्तित्व का आयाम नहीं है, तो दोस्तों सामाजिक, शारीरिक, मानसिक जो है व्यक्तित्व का, ये तीनों आयाम है, बट आर्थिक आयाम नहीं है। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल किस स्टेडियम में आयोजित हुआ था दोस्तों, तो प्रथम एशियाई खेल 1951 में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम और नवम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे, तो प्रथम और नवम एशियाई खेल जो है वह भारत में आयोजित हुए थे, कहाँ होते, भारत में। प्रथम एशियाई खेल और नवम, प्रथम एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में हुआ था,
नेशनल स्टेडियम में, और नवा एशियाई खेल जो है 1982 में नई दिल्ली में हुआ था। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है, दोनों भारत में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल 2012 का आयोजन स्थल कहाँ था दोस्तों, तो ओलंपिक खेल 2012 लंदन ओलंपिक में हुआ था, लंदन में हुआ था, और 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, और 2020 टोक्यो जापान में हुआ था, और 2024 पेरिस फ्रांस में होगा, और 2028 जो है लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, और 2032 का होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। नेहरू किसने कहा शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि जो शिक्षा है जीवन प्रयत्न चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। नेहरू दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है क्योंकि ये हेल्थ या फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। अब विश्व में हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को सर्च रिसर्च और सभी चीज़ों पर एक कार्यवाही करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है दोस्तों, तो शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है। जब उत्तर एथेंस काल न दिया रहे ओनली एथेंस काल दिया रहे तो वो भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है WHO का पूरा नाम क्या है, तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट दोस्तों ओलंपिक ध्वज के द्वितीय छल्ले का रंग कैसा है, जैसे इसका सीक्वेंस है नीला पीला काला हरा लाल, तो दूसरी द्वितीय छल्ले का क्या रंग होगा, नीला पीला यानी कि पीला होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शारीरिक विकास की मानसिक विकास की सामाजिक विकास, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी दिया रहेगा। जहां भी आपको सर्वांगीण विकास दिया रहेगा वहां सर्वांगीण विकास आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसमें आपका उपरोक्त सभी शारीरिक मानसिक सामाजिक संपूर्ण रूप से विकास करने का उद्देश्य होता है शारीरिक शिक्षा का किसी व्यक्ति का, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2010 तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है, तो 2010 तक कितनी बार आयोजित हो चुका है, तो 10 तक आपका आयोजन हुआ था कुल 16 बार। और अभी पूछा जाए तो 2018 में आपका 18वां एशियन गेम था, और 2022 का जो है 19वां एशियन गेम रहेगा। नेक्स्ट है 1 ग्राम प्रोटीन से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है दोस्तों, तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना प्राप्त होता है, 4.1 किलो कैलोरी। वहीं पे पूछेगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.1 किलो कैलोरी। वहीं पे जब पूछेगा कि 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9.1 किलो कैलोरी हो जाएगा। तीनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप सभी जानते ही हैं हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस कब से प्रारंभ हुआ था, इनमें हमें खुद ही कंफ्यूजन में हूँ, तो इसका जो है प्रारंभ यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 1995, ठीक है 1995। जबकि दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल दिवस है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को, और इसका प्रारंभ 2012 से शुरुआत हुआ था इनके नाम पर, तो ये भी आपको ऑप्शन जुड़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के आयाम हैं, तो शारीरिक शिक्षा के आयाम जो है शारीरिक आयाम है मानसिक आयाम है, ठीक है शारीरिक आयाम है मानसिक आयाम है, और इसके अलावा क्या है सामाजिक आयाम है। तो शारीरिक शिक्षा के आयाम क्या है, शारीरिक है मानसिक है सामाजिक है, तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है खेल एक है, तो क्या है खेल, खेल एक है मनोरंजन क्रिया, रिक्रिएशन यानी पुनः ऊर्जा देने वाला, ठीक है पुनः आपको क्रिएटिविटी प्रदान करने वाला एक खेल है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों वातावरण संबंधित है, किससे संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर है कुछ गलत तरीके से दिया हुआ है, तो वातावरण इसमें तो आपका जब प्रशिक्षण से है नहीं, वंशानुक्रम से है नहीं, यहाँ पे प्रकृति से हो जाएगा। लेकिन जब आपका नेचर और नर्चर दिया रहेगा, नेचर और नर्चर यानी नेचर और नर्चर का मतलब होता है प्रकृति और पोषण, तो वहां पे वातावरण का अर्थ हो जाएगा पोषण, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों खेल प्रदर्शन निर्भर करता है धन पर, मित्र पर, समय पर, अभ्यास पर, तो खेल प्रदर्शन हमारे साथ प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, प्रैक्टिस नहीं दिया रहेगा तो आपका स्किल हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ष 2006 तक कुल कितनी बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हो चुके हैं दोस्तों? तो वर्ष 2006 तक कुल 18 राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हो चुके हैं, लेकिन अब पूछेगा कि 2022 तक कितने राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हो चुके हैं? तो कुल 22 बार, यानी कि 22 बार राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ, और 23वां कहां आयोजित हुआ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि खेल मनोविज्ञान के जनक हैं कोलमैन ग्रिफिथ, और मनोविज्ञान के जनक पूछेगा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम उंट है, ठीक है। विलियम उंट आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं और खेल मनोविज्ञान के जनक हैं कोलमैन ग्रिफिथ। नेक्स्ट है, क्रिकेट खेल में प्रयोग होने वाले प्रकाश यंत्र को क्या कहते हैं? तो लक्ष्य मीटर कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है, मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? आप सबको पता है 23 जोड़े होती है। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अभी तक में भारत ने ओलंपिक हॉकी में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कुल 8 स्वर्ण पदक अभी तक ओलंपिक हॉकी में भारत ने जीते हैं। अगर पूछेगा ये कि अभी तक में भारत ने हॉकी में कितने कुल पदक जीते हैं, तो 12 पदक, यानी कि 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक। अब कितने स्वर्ण पदक पूछेगा तो 8, ठीक है। अगर कितने रजत पदक तो 1, और कितने कांस्य पदक तो 3 कांस्य पदक। 1960 में रजत पदक भारत ने जीता था ओलंपिक में, 1968, 1972, 2020 में कांस्य पदक जीता है। 2020 टोक्यो ओलंपिक कौन सा पदक जीता है हॉकी, भारतीय हॉकी? तो कांस्य पदक। यानी कि अभी तक में भारत ने हॉकी में ओलंपिक में कुल 12 पदक प्राप्त किए हैं, 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक। और आपको एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखना है कि भारत ने अभी तक में ओलंपिक में सभी खेलों को मिलाकर के कितना स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो 10 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, 8 आपका हॉकी में हो गया, 1 निशानेबाजी में 2008 में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में प्राप्त किया है, 9 हो गया, 10वां जो है 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में प्राप्त किया है। तो कुल 10 प्राप्त किए हैं भारत ने सभी खेलों को मिलाकर के, और हॉकी में 8 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 80/120 mmHg होता है। नेक्स्ट, सामान्य व्यक्ति की प्रति मिनट सामान्य हृदय धड़कन कितना होता है दोस्तों? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, तो यहाँ पे 60 से 80 ऑप्शन रहता है, तो हमेशा सही रहता है, तो यहाँ पे 60 से 100 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलो? तो इस बात को कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा है कि खेल को खेल की भावना से खेलो। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम ने सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो जैसे कि दोस्तों क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 में हुआ था, लेकिन भारतीय टीम ने सबसे पहले कब जीता था क्रिकेट विश्व कप को? तो 1983 में जीता था। नेक्स्ट है, शारीरिक क्षमता का विकास किया जा सकता है? तो शारीरिक क्षमता का विकास हम रस्सी कूद के द्वारा खेल सकते हैं, खेलकूद में भाग लेकर कर सकते हैं, बिना उपकरण के व्यायाम द्वारा कर सकते हैं, तो इन सभी के द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है किसके लिए दोस्तों? संतुलित आहार की आवश्यकता आपको किसके लिए होगी? तो समुचित वृद्धि और विकास के लिए हमको संतुलित आहार की आवश्यकता होगी। संतुलित आहार कहते किसे है कि जिससे भोजन में सभी पोषक तत्व तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज लवण जल उचित मात्रा में विद्यमान हो, उसे हम कहते हैं संतुलित आहार बैलेंस डाइट। वो हमारे शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो यह बैडमिंटन से है इसका संबंध। नेक्स्ट है, एक प्रमापी कृतधावन पथ यानी स्टैंडर्ड ट्रैक की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो 400 मीटर यानी कि फुल स्ट्रेगर जो होता है 400 मीटर होता है, और हाफ स्ट्रेगर 200 मीटर होता है, तो स्टैंडर्ड ट्रैक जब भी पूछेगा तो 400 मीटर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
दिया गया। दोस्तों आपको यह ध्यान में रखना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 2020 टोक्यो ओलंपिक के बाद, इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जो भारत देश में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह 1991-92 से शुरू किया गया है और इसमें 25,00,000 धनराशि दिया जाता है। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 2022 में मात्र एक व्यक्ति को दिया गया है, अचंत शरत कमल को टेबल टेनिस में, अचंत शरत कमल को टेबल टेनिस में। नेक्स्ट 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था मैरी कॉम को, सुशील कुमार को, विजेंद्र सिंह को, इन तीनों को दिया गया था। इसमें से अब 2022 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जब नाम चेंज हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो 2022 में किसको दिया गया है, और अचंत शरत कमल को दिया गया है, अचंत शरत कमल को टेबल टेनिस खिलाड़ी है उनको दिया गया है। नेक्स्ट है प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभिक वर्ष था दोस्तों, तो 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया शहर में खेला जाता था, प्राचीन ओलंपिक खेल शुरुआत मतलब हुआ था 776 ईसा पूर्व में, और कब तक चला था 394 ईस्वी तक, 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक। नेक्स्ट है एशियाई खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किस देश को जाता है दोस्तों, तो भारत देश को जाता है, और इसको एशियाई खेलों के पितामह यानी शुरू करने वाले हैं प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी यानी जीडी सोंधी को एशियाई खेलों का पितामह माना जाता है। ओलंपिक खेल का पितामह, आधुनिक ओलंपिक खेल का पितामह बैरन पीरेडी कोबर्डिंग को माना जाता है, इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में प्रथम स्वर्ण पदक जीता था, तो दोस्तों सबसे पहले ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग लिया था 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक में, और हॉकी में सबसे पहले भाग लिया था, और हॉकी में ही इसने भारत की तरफ से प्रथम स्वर्ण पदक जीता, भारत ने प्रथम स्वर्ण पदक हॉकी में जीता, वो भी 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक में। नेक्स्ट किस खेल में एक तरफ से 11 खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन तीनों में एक तरफ से 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभिक वर्ष क्या है, तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो है 6 अप्रैल 1896 में ओलंपिया शहर में एथेंस के ओलंपिया में पैनाथेनिक स्टेडियम में शुरुआत हुआ, और इसको शुरुआत करने वाले थे बैरन पीरेडी कोबर्डी। नेक्स्ट है 15वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ दोस्तों, तो 15वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है वह दोहा कतर में हुआ था, और पूछेगा कि अब 18वें एशियाई गेम का आयोजन 2018 में हुआ था इंडोनेशिया के दो शहर जकार्ता और पालेमबांग में, और 19वें एशियाई खेल का आयोजन होगा ह्वांगझोउ चीन में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब और कहां पे हुआ था दोस्तों, तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का जो प्रारंभ है 1930 में हेमिल्टन शहर में हुआ था, 1930 में हेमिल्टन कनाडा में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, और 2022वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, और 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई खेलों में कुल कितने देशों ने भाग लिया था तथा कितने खेल शामिल हुए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा कि प्रथम एशियाई खेलों में 11 देशों ने देश भाग लिए थे और कुल 6 खेल इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस शब्दों की रचना किसने किया है, तो फादर हेनरी डिडान ने किया है, और इसमें एक नया शब्द जुड़ गया है कम्युनेटर, इसका अर्थ होता है टुगेदर, एक साथ चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 छल्लों का ओलंपिक चिन्ह बनाने का सुझाव किसने दिया था दोस्तों, तो 5 छल्लों को ओलंपिक चिन्ह बनाने का जो सुझाव है वो बैरन पीरेडी कोबर्डी ने दिया था। नेक्स्ट द्वितीय ओलंपिक कब और कहां किस देश में संपन्न हुए थे, तो द्वितीय ओलंपिक जो है आपका पेरिस फ्रांस में 1900 में संपन्न हुए थे, और पूछा जाता है कि भारत सर्वप्रथम ओलंपिक में कब भाग लिया था, तो 1900 पेरिस फ्रांस में लिया था। आधिकारिक तौर पर सबसे पहले भाग कब लिया था, तो 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक में हुआ था लिया था, अनाधिकारिक तौर पर सबसे पहले 1920 में भाग लिया था।
ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित हैं। जो 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? तो प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर था जंतर मंतर। क्या था? जंतर मंतर। जो है एशियाई खेलों का जो नामकरण जो किया है जवाहरलाल नेहरू ने, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एशियाई खेलों के जो आपका आदर्श वाक्य है, हमेशा आगे की ओर, ये आपका आदर्श वाक्य है। और एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह उगता हुआ सूर्य है 11 छल्लों के साथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सत्य होगा क्या? सत्य होगा। जो आपका विकास है, डेवलपमेंट है, वो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे नहीं है दिया है तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16वें एशियाई खेलों का आयोजनकर्ता देश कौन है? दोस्तों यह चीन है, ठीक है। और 18वें एशियाई खेल जो है एशियन गेम 2018 में इंडोनेशिया के दो शहर जकार्ता और पालेमबांग में हुआ था। 19वां एशियन गेम होगा आपका ह्वांगझू चीन में। नेक्स्ट है, 16वें राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो 16वें राष्ट्रमंडल खेल में क्रिकेट का स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया जीता था। कौन जीता था? दक्षिण अफ्रीका जीता था। कौन जीता था? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? तो किसने कहा कि मनोविज्ञान जो है मानव प्रकृति का अध्ययन है? तो इस बात को कहे हैं बोडवर्थ ने। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यह बात कहे हैं बुडवर्थ ने। वातावरण और प्रकृति की बात आए दोस्तों तो वहां बुडवर्थ ही सही होगा, मनोविज्ञान से रिलेटेड परिभाषा में। नेक्स्ट है दोस्तों, खेल क्रियाओं में थकान का क्या कारण है? तो आप सबको पता है कि लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण खेल क्रियाओं में या किसी भी क्रियाओं में थकान का कारण होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। आपके 98 क्वेश्चन लेके मैं आई थी। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जिस भी चीज़ में डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में और चीज़ जगह शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।